आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कोरोना की चपेट में अखिलेश यादव का परिवार, बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव। पत्नी डिंपल और एक बेटी कोरोना संक्रमित, सीएम योगी ने फोन कर सेहत की ली जानकारी। कोरोना की चपेट में अखिलेश यादव का परिवार, अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। फिरोजाबाद दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, शिकोहाबाद के रामलीला मैदान में रैली को करेंगे संबोधित। जनविश्वास यात्रा की भी अगुवाई करेंगे डिप्टी सीएम, जनविश्वास यात्रा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। फिरोजाबाद दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बड़ी खबर सामने आ रही है, शिकोहाबाद के रामलीला मैदान में रैली को करेंगे संबोधित। जनविश्वास यात्रा की भी अगुवाई करेंगे डिप्टी सीएम, जनविश्वास यात्रा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। फिरोजाबाद दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, शिकोहाबाद के रामलीला मैदान में रैली को करेंगे संबोधित। जनविश्वास यात्रा की भी अगुवाई करेंगे डिप्टी सीएम, जनविश्वास यात्रा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। फिरोजाबाद दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अशोकोहाबाद के रामलीला मैदान में रैली को करेंगे संबोधित। लखनऊ में कांग्रेसी पर एफआईआर करने का आरोप, सलमान खुर्शीद पर दर्ज होगी एफआईआर। अपनी किताब में विवादित शब्द लिखने का आरोप, एक इंटरव्यू में हिंदुत्व की तुलना जानवर और हैवान से करने का आरोप। एसीजेएम कोर्ट में एफआईआर की मांग की गई, 3 दिन में एफआईआर की मांगी गई कॉपी। लखनऊ में कांग्रेसी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश, सलमान खुर्शीद पर दर्ज होगी एफआईआर। अपनी किताब में विवादित शब्द लिखने का आरोप, एक इंटरव्यू में हिंदुत्व की तुलना जानवर और हैवान से करने का आरोप। एसीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट की कॉपी। लखनऊ में कांग्रेसी पर एफआईआर दर्ज करने का आरोप, सलमान खुर्शीद पर दर्ज होगी एफआईआर। अपनी किताब में विवादित शब्द लिखने का आरोप, एक इंटरव्यू में हिंदुत्व की तुलना जानवर और हैवान से करने का आरोप। एसीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, 3 दिन में एफआईआर की मांगी गई कॉपी। लखनऊ में कांग्रेसी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग, सलमान खुर्शीद पर दर्ज होगी एफआईआर। अपनी किताब में विवादित शब्द लिखने का आरोप। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से विवादित बयान की बात हुई थी और उसके बाद इन्होंने ये पुष्टि भी की थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग गलत समझ रहे हैं, इस पे सफाई दी थी, लेकिन उसके बाद भी विवाद शांत नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पुष्टि करें ना करें, पर जिस तरह से उन्होंने अपनी किताब, जो उनकी किताब थी सनराइज ओवर अयोध्या जी, उसमें इन्होंने बिरावे शब्द लिखे थे, तो जाहिर के बाद विवादित आप किताब में लिखोगे, किताब से वो चीज हट भी सकती है। और फिर उन्होंने चूंकि एक इंटरव्यू के दौरान भी एक हिंदू की तुलना एक जानवर हैवान से करने का आरोप था, तो ये मामला काफी पुराना है, अभी इसको ये अभी आज का मामला नहीं है, मामले को समय हो गया है, लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने पुराना ये मामला है। पर जिस तरह से इन्होंने अभी और उसके पहले भी इस तरह की तमाम बातें की हैं, ऐसा नहीं है कि सलमान खुर्शीद का पहला मामला, इससे पहले भी कई तरह के व्यवहार बयान देते रहे हैं, पर इसके पहले बोको हराम और आईएसआईएस करने के इनकी बात हुई थी, इसके बाद उन्होंने किताब जो अपनी है उसमें भी विवादित शब्द लिखे हैं, इंटरव्यू के दौरान भी जिस तमाम ये हिंदुत्व पे हमलावर रहते हैं और तमाम ऐसी बातें करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इनकी नजर में हिंदुत्व की अलग ही छवि है। इसको देखते हुए कि लखनऊ में कांग्रेस नेता जो सलमान खुर्शीद उन पर एफआईआर करने का आदेश दे दिया गया है, एसीजेएम कोर्ट ने एसएचओ जो वहां के एसएचओ बख्ती तालाब के हैं उनसे कहा है कि आप वहां पर एफआईआर दर्ज करें और 3 दिन में एफआईआर की रिपोर्ट की कॉपी भेजी आदेश करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। कोरोना की चपेट में अखिलेश यादव का परिवार, अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। पत्नी डिंपल और एक बेटी कोरोना संक्रमित, सीएम योगी ने फोन कर सेहत की ली जानकारी। कोरोना की चपेट में अखिलेश यादव का परिवार,
यूपीटेट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपीटेट की नई परीक्षा तारीख तय, 23 जनवरी को होगी यूपीटेट की परीक्षा। प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी, दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। यूपी टीईटी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी टीईटी की नई परीक्षा तारीख घोषित हुई, 23 जनवरी को होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। प्रथम पाली की परीक्षा 10 से 12:30 बजे तक होगी। चुनाव से पहले श्रमिकों को मिलेगी बड़ी सौगात, चीनी कारखानों के श्रमिकों को मिलेगा तोहफा। हर महीने 1,600 रुपए बढ़ेगा श्रमिकों का वेतन, श्रम आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने किया खुलासा। चुनाव के पहले श्रमिकों को मिलेगी बड़ी सौगात, चीनी कारखानों के श्रमिकों को मिला ये बड़ा तोहफा। हर महीने 1,600 रुपए बढ़ेगा श्रमिकों का वेतन, श्रम आयुक्त डॉक्टर राजशेखर की अध्यक्षता में हुआ ये फैसला। मेरठ जाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम, सुभारती यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह में होगा कार्यक्रम। मेरठ जाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को फोन किया, डिंपल यादव व बेटी की सेहत के बारे में ली जानकारी। डिंपल और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव, योगी ने अखिलेश को फोन करके जाना हाल। परिवार के सदस्यों के स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को किया फोन, डिंपल यादव और बेटी की सेहत के बारे में ली जानकारी। डिंपल और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव है, योगी ने अखिलेश को फोन कर उनका हाल जाना, परिवार के सदस्यों के स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को फोन किया, डिंपल यादव और बेटी का हाल चाल जाना। डिंपल और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद योगी ने अखिलेश को फोन करके उनका उनके परिवार का हाल जाना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।